अस्सलाम वालेकुम माई ऑल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रैब की रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करते हैं। देखते हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने लिए हैं एक अंडा, एक कप दूध, एक कप पानी और एक कप मैदा। इसी में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही के। साथ ही हमने मसालों में लिया है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें। और यहाँ हमने लिए हैं 1/2 किलो जितना चिकन। अब यहाँ पे हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे मैदा, एक अंडा, एक कप जितना दूध, 2 टेबल स्पून दही के डालेंगे और 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसी तरह से एक बैटर तैयार होगा। हमारे यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है। इसी के साथ ये सारे मसालों को हम चिकन में ऐड कर देंगे। इसी में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही के। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें हमारी शीट सभी रेडी करनी है। यहाँ पे हमने हमारा पैन रख चुके हैं गर्म होने के लिए। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। देख सकते हो यहाँ पे हमारी शीट बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हमारे चिकन को। तो यहाँ हमारी चिकन को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे हम मीडियम फ्लेम पे। तो हमारे यहाँ पे चिकन हो रहा है अच्छे से। अभी इसी के साथ शिमला मिर्ची और चिकन को भी ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो रहा है। इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे हमने मैदे का पेस्ट बना के एकदम से रेडी कर चुके हैं ताकि हमारे क्रैब्स अच्छे से स्टिक हो सके। यहाँ पे हमने एक बॉल में चीज़ ले चुके हैं। तो यहाँ हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जल्दी जल्दी इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने हमारा फ्राई पैन रख चुके हैं गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले एक शीट लेंगे, उसके बीचों बीच चिकन का बैटर रखेंगे, एक साइड से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हो कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुका है हमारा चिकन क्रैप। तो इसी तरह से सभी को हम रेडी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ हमारे क्रैब को अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हो कितने मज़ेदार फ्राई होकर रेडी हुए हैं हमारे चिकन क्रैब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन क्रैब बनके एकदम से रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए हैं। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड लेते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।